हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने का जो एक प्रोसेस रहता है, उसमें क्या क्या पॉइंट हमको ध्यान में रखना चाहिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए क्या क्या पॉइंट को हम ध्यान में रखना चाहिए, वो हम डिस्कशन करेंगे। एंड जो भी पॉइंट फ्रेंड्स हम डिस्कशन करेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा, आपको एक नीड सेलेक्ट करना है, आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आपका एक स्ट्रेंथ ढूंढना है। सपोज आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आपको इक्विटी में ही ट्रेड करना है, एंड अगर आप एफएनओ करते हो तो एफएनओ में करना है। एंड इक्विटी एंड एफएनओ में, इसमें भी आपका टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हो तो आप पोजिशनल में जा सकते हो, इक्विटी में भी आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो एंड डे ट्रेडिंग कर सकते हो, सेम आप एफएनओ में भी कर सकते हो। तो वहाँ से आपको जो आपको सूटेबल लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो एक नीड सेलेक्ट करना है। सपोज आप इक्विटी सेलेक्ट करते हो तो इक्विटी में आपको पोजिशनल करना है या स्विंग करना है या डे ट्रेडिंग करना है, वो आपको फिक्स करना है। एंड आपका जो एफर्ट है, 80% एफर्ट आपको इसमें एक ही सेगमेंट में आपको देना चाहिए, एंड 20% में आप अदर ट्राई कर सकते हो। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो 20% आप अदर सेगमेंट में भी ट्राई कर सकते हो, एंड 80% आपका जो स्ट्रेंथ है, आपको जिसमें लग रहा है कि मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूँ, इसमें हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो उसमें देना चाहिए। एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्रेंड्स, आप जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए आप ट्रेड करोगे तो उतना आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, आपका जो प्रॉफिटेबल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी में अगर हम पोजिशनल करते हैं तो वो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए करते, ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम ट्रेड करते, तो उसमें हमारा सक्सेस होने का, हमारा प्रॉफिटेबल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड हमारा डिफिकल्टी लेवल भी कम हो जाता है। देन आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग, देन नेक्स्ट आता है हमारा डे ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग में आपको हाईएस्ट एफर्ट देना है, हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल रहेगा, एंड उसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा विनिंग होने का, आपका प्रॉफिटेबल होने का जो प्रोबेबिलिटी रहेगा, वो भी कंपेरेटिवली पोजिशनल एंड स्विंग के लिए कम रहेगा। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डे ट्रेडिंग के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट देना रहता है। देन सेकेंड नंबर पे आता है फ्रेंड्स, एक टारगेट सेट करना, एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है। अगर आप मंथली एक अर्निंग के लिए, मंथली एक इनकम के लिए, एक पैसिव इनकम के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो या डे ट्रेडिंग हो, तो उसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है जो आप एक्चुअल में अचीव कर सकते हो, उसके मतलब नियर अगर आप अचीव कर सकते हो, वैसे आपको एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है। सपोज आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कितना अचीव कर सकते हो, रियलिस्टिक मतलब 4-8% का हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं, मंथली एक अर्निंग का हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी हम मंथली एक 4-8% का एक इनकम जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग करके हम मंथली एक 4-8% का एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एंड मैं प्रीवियस वीडियो में भी वो शेयर किया हुआ है, मैं ऑलरेडी शेयर किया है मैंने, मंथली मैंने अर्निंग कितना जनरेट किया कैपिटल में से, मंथली बेसिस पे हम कितना स्विंग ट्रेडिंग करके कितना रिटर्न जनरेट कर रहे, तो वो हमने प्रीवियसली भी शेयर किया एंड आगे भी हम शेयर करते जाएंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हम शेयर करते जाएंगे। टारगेट जो रहेगा हमारा वो मार्केट कंडीशन के भी ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है, स्विंग में डिपेंड करता है, बट डे ट्रेडिंग में वो डिपेंड नहीं करता है। डे ट्रेडिंग में मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, हमारा प्रॉफिट होते रहता है, मतलब हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट करके या लॉन्ग करके हम प्रॉफिट कर सकते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप इक्विटी में कर रहे हो, इक्विटी में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो मार्केट जैसे अच्छा रहता है, मार्केट जब ऊपर रहता है वो टाइम पे हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एंड आपको एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स हम मंथली मतलब एक ही मंथ में हम कैपिटल को डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, प्रॉफिट को हम मतलब 100% प्रॉफिट करेंगे, 200% प्रॉफिट करेंगे, ऐसा रियलिस्टिक नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा मतलब हो सकता है, कोई जनरेट कर सकता है, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो रियलिस्टिक प्रॉफिट रहता है वो मिनिमम हम 4% का एक जनरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं, वो आपका स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेकेंड नंबर पर आपको एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है, मंथली आपको एक टारगेट सेट करना है एंड वो हिसाब से आपको काम करना है। कोई मंथ में अगर आप टारगेट अचीव नहीं होता है, मार्केट कंडीशन खराब रहता है या आपका पोजिशन साइजिंग कोई भी अगर आप मिस्टेक होता है, तो वो मंथ में ठीक है आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, बट आपको लर्निंग देके जाएगा, तो वो फिर आपको नेक्स्ट मंथ में इंप्लीमेंट करना है।
तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपका टारगेट भी अचीव होते जाएगा। एंड थर्ड नंबर पे है फ्रेंड्स पोजीशन साइजिंग, मतलब आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपका जितना कैपिटल है कंप्लीट कैपिटल आपको एक या दो स्टॉक पे, 100% कैपिटल आपको एक या दो स्टॉक पे एलोकेट नहीं करना है, आपको कैपिटल को साइजिंग करना है। मतलब जितना कैपिटल है आपका वो मतलब प्रॉपरली आपको मतलब डाइवर्सिफाई करना है। मतलब 100% कैपिटल आपको एक ही स्टॉक में नहीं देना है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 10-15% का आप एलोकेशन रख सकते हो एक स्टॉक में। अगर आप 100% कैपिटल एक ही स्टॉक में अगर आप एलोकेट करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो रिक्स है रिक्स बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, एंड आपका जो प्रॉफिट होने का चांस, प्रॉफिट अगर होता है फ्रेंड्स, अगर अच्छा मूवमेंट मिलता है तो आपका प्रॉफिट मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, बट उसमें आपका जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम जनरेट होने का जो आपका टारगेट रहेगा वो अचीव नहीं भी हो सकता है। मतलब कैसा रहता है फ्रेंड्स, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मतलब कोई एक स्टॉक सेम मंथ में परफॉर्म नहीं भी करता है, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा कंसोलिडेशन करता है। तो वैसा अगर आप एक ही स्टॉक में रख देंगे एंड स्टॉक कंसोलिडेशन में गया तो फिर आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। तो वो हिसाब से भी आपको देखना है, पोजिशन साइजिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसमें आपको एलोकेशन इंक्रीज नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आपके डायरेक्शन में गया स्टॉक, सपोज इनिशियली आपने 10% एलोकेट किया, आपका जो जितना कैपिटल है स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका जितना कैपिटल है उसका 10% कैपिटल सपोज आपने इनिशियली एलोकेट किया था, एंड जैसे आपका डायरेक्शन में गया स्टॉक, जैसे आपका डायरेक्शन में परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो फिर आप कैपिटल थोड़ा इंक्रीज कर सकते, 10% के जगह आप 15% कर सकते, तो वो ठीक है। बट जैसे अगर आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंसोलिडेशन में गया या डाउन साइड में गया, तो वो टाइम पे आपका जो एलोकेशन है सेम स्टॉक में इंक्रीज नहीं करना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रहता है फ्रेंड्स, रिस्क टू रिवार्ड, अगर आप कोई स्टॉक में अगर आप पोजिशन बनाया था एंड वो स्टॉक रिवर्स हो गया, मतलब डाउन साइड में आ गया, तो आपको स्टॉप लॉस लेना है, आपको कट करना है, पोजीशन को कट करना है, एंड एवरेजिंग नहीं करना है उसमें, पहले तो कट ही करना है, एवरेजिंग तो नहीं करना है। तो क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने कोई स्टॉक में स्टॉप लॉस लिया तो जैसे आपका डायरेक्शन में कोई स्टॉक गया तो उसमें आपको क्या करना है, जितना आपने स्टॉप लॉस दिया, सपोज आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, 100 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस दिया कोई स्टॉक में, तो आपका प्रॉफिट जो रहेगा, जो टारगेट रहेगा, वो मिनिमम आपको 200 लेना है, 200 या 300 ऐसा, मतलब मिनिमम आपको 1:2 का हिसाब से आपको देखना है। मतलब अगर आपका डायरेक्शन में गया कोई स्टॉक तो उसमें आपको अर्ली ये नहीं करना चाहिए। अगर ठीक है कोई रिवर्सल का साइन आ रहा है तो उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं, 1:2 या लेस देन 1:2 में अभी आप एग्जिट कर सकते हैं, फिर से आप नया कोई स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढ के पोजिशन बना सकते हैं। बट जैसे आपको लग रहा है स्टार्ट स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है एंड टेक्निकली भी स्ट्रांग लग रहा है, तो वो टाइम पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। मतलब 1:2, 1:3 वैसे आपको टारगेट लेना है, एंड हमेशा आपको रिस्क को मैनेज करना है। आप अगर कोई स्टॉक डाउन में आ रहा है तो उसमें आपको जितना जल्दी हो सके आपको पोजीशन को कट करना है, आपको स्टॉप लॉस लेना है। एंड देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने का जो मेन जो मुझे लगता है ना, वो पॉजिटिव माइंडसेट फ्रेंड्स। एंड पॉजिटिव माइंडसेट फ्रेंड्स ट्रेडिंग में कैसे आएगा, वो प्रॉफिटेबल होके आएगा। अगर आप कोई मंथ में प्रॉफिट में आ गए ना फ्रेंड्स, ग्रीन में आ गए ना कंसिस्टेंटली, अगर आप थोड़ा भी प्रॉफिट हो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रीन में आ गए ना, तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको डेवलप करके देगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इनिशियली आपको थोड़ा भी हो बट आपको प्रॉफिट में रहना है, मंथ एंड पे आपको प्रॉफिट में रहना है, नेट नेट आपको मंथली प्रॉफिट में रहना है। तो जैसे ही आप थोड़ा प्रॉफिट में आएंगे तो उसके बाद आपको कैपिटल इंक्रीज करके भी आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज करने का फ्रेंड्स बहुत ऑप्शन है, आप कैपिटल जैसे इंक्रीज करेंगे ना फ्रेंड्स, ज़्यादा कैपिटल जैसे आप डेप्लॉय करेंगे प्रॉफिटेबल होने के बाद, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। बट इनिशियल पे आपको प्रॉफिट में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स पहले तो आप ये टारगेट कीजिए, कैसे मैं मंथली एक प्रॉफिट में आओ, ग्रीन में आओ, बाद में फिर आप प्रॉफिट को तो धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो था फ्रेंड्स मेरा एक्सपीरियंस, हमने शेयर किया। एंड फ्रेंड्स मैंने मंथली जो पीएनएल है स्विंग ट्रेडिंग में, हम कितना प्रॉफिट
या लॉस जेनरेट करते हैं उसका वीडियो में मैं अपलोड करते रहता हूँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आपको रेफरेंस मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा उसके ऊपर भी मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड कोई टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।